बता दें आपको कि कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब हरियाणा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। जी हाँ, हरियाणा में एक ही चरण में सभी 90 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। और बता दें कि वोटिंग के लिए प्रशासन, चुनाव आयोग और पुलिस ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और फाइनल रिहर्सल के बाद रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो मतदान सामग्री के साथ रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आज चुनाव आयोग द्वारा जो मतदान सामग्री है, ईवीएम है, ये तमाम चीजें पोलिंग पार्टियों को सौंप दी जाएगी। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो प्रदेश की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर संदिग्ध व्यक्ति पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं वाहनों की भी लगातार चेकिंग बॉर्डर पार से आ रहे वाहनों की और बॉर्डर पार जा रहे वाहनों की जा रही है। और बता दें आपको कि पूरे हरियाणा में 57,000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और सीआरपीएफ की 130 कंपनियां चुनावों के लिए विशेष तौर पर तैनात की गई हैं। तो हरियाणा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। वही बता दें आपको कि आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना होंगी। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें पोलिंग से जुड़ी सामग्री हैंडओवर की जाएगी, जिसे लेकर वो पोलिंग बूथों पर रवाना होंगे और पोलिंग बूथों पर आज फाइनल रिहर्सल की जाएगी। तो बता दें कि कल शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार अब थम चुका है, यानी अब लाउडस्पीकर का, पब्लिक स्पीकिंग का और जनसभाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं और अब चुनाव प्रचार का शोर थम जाने के बाद अब चुनाव में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। और बता दें कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कल मतदान, सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। और बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए 1169 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद करेगी। और सीधे रुक करते साइबर सिटी गुरुग्राम का। इस वक्त सूरज दुवन, लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता, जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, पोलिंग पार्टियां आज वोटिंग से जुड़ी सामग्री लेकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगी, फाइनल रिहर्सल आज की जाएगी और किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना कल चुनावों के दौरान, मतदान की प्रक्रिया के दौरान न करना पड़े, इस बात को आज ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा फाइनल रिहर्सल में। देखिए साक्षी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था और कल सुबह यहां पर हरियाणा में 90 विधानसभा जो सीटों पर वहां मतदान होना है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा, कल शाम तक मतदान 6 बजे तक चलेगा। और हम इस वक्त हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 में महिला कॉलेज में, और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी यहां पर रिहर्सल की जा रही है और वो अपनी सामग्री को लेकर कुछ ही देर में बाद यहां पर रवाना होंगे और अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे। अगर सुरक्षाकर्मी की बात की जाए तो 7,000 लगभग यहां पर सुरक्षाकर्मी की तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम भी बुला दी गई है और सुरक्षाकर्मी पुलिस तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारियों से साथ यहां पर लगा हुआ है। आज वो सामग्री लेके अपने अपने स्थान पर बूथों पर जाएंगे और वहां पर देखना चाहेंगे। हम यहां पर जो गुरुग्राम के महिला कॉलेज में है, पूरी तैयारियां यहां पर चुनाव ने कर दी है। यहां पर अगर गुरुग्राम की बात की जाए, 12,10,000 के समथिंग यहां पर मतदाता है और 4 विधानसभा गुरुग्राम में है, सोना, पटौती, बासापुर और गुरुग्राम। तो लगातार यहां पर 44 मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, सुरक्षाकर्मी प्राप्त कर दिए गए हैं। लगातार पूरी तैयारियां यहाँ पर साक्षी की गई है, क्योंकि जो विधानसभा जो चुनाव है, अहम चुनाव माना जाता है, क्योंकि सरकार बनती है और यहाँ पर एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो 90 विधानसभा चुनाव जो भी जीत जाता है, जो अपनी पारी उसको पास करके आएगा। लेकिन पूरी तैयारियां यहाँ पर दमखम है, क्योंकि कल शाम को चुनाव प्रचार बंद हो गया था। हालांकि इतना जरूर है कि उसके बाद 4 या 5 जो आदमी इकट्ठा होकर डोर टू डोर नहीं कर सकते, वोट नहीं मांग सकते, एक दो जाके जो वहां पर मीटिंग कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है, जो पोलिंग बूथ होंगे वहां पर 200 मीटर तक जो भी उम्मीदवार है उस आसपास नहीं हो सकता। धारा 144 वहां पर लागू की जाएगी। जी जी बिल्कुल, किसी भी तरह की गड़बड़ी
या कोई अव्यवस्था कल सामने ना आए, इसे लेकर आज पूरी तरह फाइनल रिहर्सल कर ली जाएगी। और वहीं आज जो पोलिंग सामग्री है वो भी पोलिंग बूथों पर जो अधिकारी रहेंगे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें थमा दी जाएगी। और पूरी तरह से जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी पोलिंग कर्मचारियों को समझाई जाएगी सूरज, ताकि कल अगर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय पर उसका सल्यूशन किया जा सके। देखिए साक्षी, बिल्कुल जाहिर की बात है, जब यहाँ पर ईवीएम मशीन को लेकर जो सामग्री लेकर रवाना होंगे, उससे पहले सभी को यह समझा दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी मशीन में गड़बड़ी होती है, पूरे ऑब्जर्व वहाँ पर लगा दिए गए हैं और अलग टीम गठित कर दी गई है कि अगर तीन चार बूथों पे अगर कोई भी दिक्कत आती मशीन में, तुरंत उसका समाधान किया जाए, उसको ठीक किया जाए और जो ईवीएम मशीन को बदल दिया जाए। तो लगातार इतना जरूर है, पूरी तैयारियां जोर शोर चुनाव आयोग ने कर दी गई है। जितने भी यहाँ पर पोलिंग बूथ की जो पार्टी आई हुई है और वहाँ पर पूरी पुख्ता से उनकी यहाँ पर मीटिंग ली गई है, उनको समझा दिया गया है कि हमने सुबह 7 बजे मशीन ऑन करनी है और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक अमूल मतदान करवाना है। लेकिन अभी जो सामग्री लेकर कुछ ही बार जो पोलिंग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। महिला भी ज्यादातर महिलाओं की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है, महिलाओं की अलग से एक पिंक बूथ बना दिए गए हैं, एक और जो विशेष जो वोटर होते हैं उसके लिए भी अलग से बूथ बना दिए गए हैं, अलग उनके यानी। चलिए सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सभी को ट्रेनिंग दी गई है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए ऑब्जर्वर्स को पूरी तरह से, पर्यवेक्षकों को तैयार कर लिया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग काफी दिनों से तैयारियों में लगा हुआ था और अब मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है उसकी जानकारी देते हैं आपको। चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा और सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1169 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और बता दें आपको कि 1065 पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या 1004 है जो चुनाव मैदान में उतरी हैं और मतदान के लिए करीब 17,500 बूथ बनाए गए हैं। शहरी इलाकों में 5,741 बूथ बनाए गए हैं। बात अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो ग्रामीण इलाकों में 13,800 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल 1,43,00,000 के लगभग मतदाता हैं जो कि वोट करेंगे, अपनी जो मौलिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं 83 अति संवेदनशील केंद्र स्थापित किए गए हैं, वहीं 2,000 के तकरीबन संवेदनशील बूथ स्थापित किए गए। तो हरियाणा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को यानी कल सोमवार को वोटिंग होगी और सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाया जा सके इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए। तो शहरी इलाकों में करीब 5,741 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों की तो ग्रामीण इलाकों में 13,837 पोलिंग बूथ बनाए गए। वहीं हरियाणा में महिला और पुरुषों को मिलाकर कुल 1,43,00,000 मतदाता हैं जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और चलिए लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता मनीषा यादव इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीषा, हरियाणा पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग ने कदम ताल कर चुनावों के लिए हरियाणा को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, व्यवस्थाएं भी सारी मुकम्मल कर ली गई है, चाहे सुरक्षा के दृष्टि से हो या फिर मतदाताओं के लिए जो प्रबंध है पोलिंग बूथों पर उनकी बात की जाए। नेताओं की ओर से तो अपना काम पूरा कर ही ले गया है और अब जो है बारी है पुलिस प्रशासन की। और जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा था, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए, तमाम जो बैठकों का दौर था वो जारी था, उसको लेकर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उसको लेकर जो है पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है वो सजग नजर आ रहा है, क्योंकि आज का पूरा दिन है और आज का दिन काफी अहम है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि वोटरों को
लुभाने के लिए जो सियासी नेता होते हैं उनकी ओर से काफी सारी जो कोशिश है वो आज के दिन की जाएगी, क्योंकि कल सुबह मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और उससे पहले क्योंकि जो भी नेता है, जो भी पार्टियों के नेता है, उनके भाग्य का जो फैसला है वो जनता के हाथों से ही होना है और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए जो तमाम कोशिश है सियासी पार्टियों की ओर से वो की जा सकती है, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो सजग नजर आ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात कर ली जाए तो 75,000 पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटियां है वो लगाई गई है, कई जो कंपनियां हैं वो हरियाणा में तैनात की गई हैं। इसके साथ ही साथ जो शराब के जो ठेके हैं उनको बंद रखा गया है और हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। इसके साथ साथ हरियाणा की सीमा से सटे हुए 3 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर भी जो शराब के ठेके हैं उसको बंद रखा गया है, क्योंकि यही वो क्योंकि शराब से काफी जो है वोटों को लुभाने की जो कोशिश है वो की जाती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, समय समय पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और वोटरों को उनके मतदान के प्रति जागरूक तो किया ही जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके के किसी की बातों में वो ना आए, किसी भी तरीके से जो वोटर है वो प्रभावित ना हो सके, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो एक बूथ ऐसा था जहां पर छिटपुट जो घटना थी वो सामने आई थी और ऐसे में उसी को लेकर जो है जो पुलिस प्रशासन है वो सजग नजर आ रहा है, क्योंकि 90 की 90 सीटों पर कल ही इलेक्शन होना है। ऐसे में किस तरीके से सब पुलिस कर्मियों को सब बूथों पर तैनात किया जाए और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर किस तरीके से पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान कर सके हरियाणा में। मनीषा, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी विशेष इंतजाम चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी के कार्यकाल की तो कई बार इस तरह की जो असामाजिक गतिविधियां हैं वो हो चुकी हैं और लोग आक्रोशित यहां बड़ी जल्दी हो जाते हैं और इसीलिए जो पोलिंग बूथ है वहां पर चाहे वीडियोग्राफी के जरिए हो चाहे पुलिस की टुकड़ियों के अतिरिक्त तैनाती हो नजर बनाई गई है अति संवेदनशील बूथों का चुनाव कर। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आती रही हैं अगर पिछले घटनाओं की जो असामाजिक तत्वों की जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है वो जो है खबरें सामने आती रही हैं, उसी को लेकर जो है चुनाव आयोग की ओर से अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी हैं जिस तरीके से कांग्रेस के भी तमाम जो नेता है, कांग्रेस का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा था और उनकी ओर से भी ये आरोप लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता है वो वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कैथल में कुछ लोग घूम रहे हैं जो हरियाणा सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से इससे पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे कि ईवीएम की जो पूरी तरीके से जो ईवीएम है वो उसको लेकर जो सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए गए थे कि कहीं किसी ना किसी तरीके की जो छेड़छाड़ है वो ईवीएम के साथ की गई है और ऐसे में जो तमाम जो सवाल है दूसरी पार्टियों की ओर से उठाए जाते हैं और इसी को लेकर जो है चुनाव आयोग भी पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है कि ताकि किसी भी तरीके की जो कोई भी घटना है वो ना हो, ईवीएम सही से काम कर रही है हर बूथ पर कि नहीं कर रही है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं फ्लैग मार्च है वो लगातार उनकी ओर से अपना जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कल किस तरीके से, क्योंकि अग्नि परीक्षा है सभी सियासी पार्टियों की और इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसकी भी एक परीक्षा है कि सभी जो चीजें हैं वो ढंग से हो जाए, क्योंकि यही कल का ही दिन है जिसके बाद अगले 5 सालों की जो सरकार है वो हरियाणा में बननी है और अगले 5 सालों के लिए जो हरियाणा की। मनीषा, बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ प्रहलाद भी जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, जिस तरह से चुनावी शोर कल थम चुका है और अब अग्नि परीक्षा सभी सियासी पार्टियों की, कल जब उनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम मशीनों में कैद करेगी। जी बिल्कुल, महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं हरियाणा में एक नई सरकार बनने में, क्योंकि 21 तारीख यानी कल जो मतदान होगा 1,83,00,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तो इलेक्शन कमीशन द्वारा भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ 57,000 जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं कैंडिडेट्स के साथ, तो चुनाव प्रचार अब थम गया है और साइलेंट जो कंपेनिंग है वो कैंडिडेट्स द्वारा की जा रही है, पूरे एहतियात बरते हुए है चुनाव आयोग।
हालांकि कई तरह की शिकायतें जो अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ आई हैं, 6000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, उनको लेकर भी चुनाव आयोग काफ़ी सतर्क नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर 21 तारीख को जो मतदान होगा और उसका 24 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा, तो और नई सरकार जो हरियाणा में बनने जा रही है उसको लेकर भी काफ़ी जो हरियाणा के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बात की